हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जो प्लस टू के आने वाले बोर्ड एग्जाम हैं उनके कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो पहला क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन दिया गया है e की पावर 10 inverse x बाय 1 plus x square, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है e की पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो 10 इनवर्स x है, हमें इसका डेरिवेटिव यहां पर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 इनवर्स x को मान लेंगे कि ये z के इक्वल है और दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे। z का डेरिवेटिव अगर हम x के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, dz बाय dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि dz को हम लिख सकते हैं dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, अगर इस वैल्यू की जगह हम dz रख दें और tan इनवर्स x की जगह z रख दें, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर z इंटू dz। यानी कि अब हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया है जिसका कि हमें जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हमें मालूम है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो होगा वो सेम होगा e टू द पावर जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इज इक्वल टू e टू द पावर जेड की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमें मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में dy by dx इज इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर टू, dy by dx इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले यहां से dy by dx इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस एक्स, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें y, तो ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा dy by dx, इन दोनों में से हम 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 1 प्लस वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करेंगे, जो y वाले टर्म है उनको dy के साथ लिखेंगे और जो x वाले टर्म है उनको dx के साथ लिखेंगे। यानी अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या करेंगे, x वाली जो टर्म है वो dx के साथ, y वाली जो टर्म है वो dy के साथ। तो यहां पे हो जाएगा dy by 1 plus y equal to 1 plus x dx, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी दो वेक्टर दिए गए हैं, और हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो सम है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, क्वेश्चन नंबर थ्री, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम ए और बी का सम निकालेंगे। तो ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, इनका सम निकालेंगे तो आई वाले को आई के साथ, यानी कि 4i कैप प्लस ये हो जाएगा 3j कैप, ये हो जाएगा -12k कैप।
यानी a और b वेक्टर का हमें सम मिल गया। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 169 का रूट, यानी कि मिल जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय 30। तो a प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो इतना हमें मिल जाएगा, यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें कि हमसे पूछा क्या गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग इन, ये हमें पॉइंट दिए गए हैं 100011, इन पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने से पहले हमें इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने होंगे। तो जब भी दो पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, जब हमें दो पॉइंट दिए गए हैं तो अगर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर हमें फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये इनके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। इनको हम नाम दे देते हैं, मान लिया ए बी और सी। फिर अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए ए बी सी, तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हो तो क्या करेंगे, इनको इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे, यानी कि ए को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, बी को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरीके से सी को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। यही चीज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हमें पॉइंट दिया गया है 100 और सेकंड पॉइंट जो दिया गया है 011, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो क्या होगा, 0 - 1 फिर 1 - 0 फिर हो जाएगा 1 - 0, तो यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1। तो हमें इस लाइन को ज्वाइन करने इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए हैं। अब हमें इनके डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं, तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, -1 / इस -1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1 कॉमा, ये हो जाएगा 1 / 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 1 / 1 + 1 + 1, यानी कि -1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो ये इस लाइन के डायरेक्शन को साइन मिल जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5th एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और क्या पूछा है, 5th जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हम ए और बी मान लेते हैं, ए जो है वो 75% केसेस में सच बोलता है, बी जो है वो 90% केसेस में, ए और बी दो बंदे हैं जो कि ए जिसमें से 75% केसेस में सच बोलता है और बी जो है 90% केसेस में सच बोलता है। तो क्वेश्चन में पूछा है इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कितने परसेंट केसेस में वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है अगर ए सच बोल रहा होगा उस केस में तो बी उस केस में झूठ बोलेगा, और बी अगर उस केस में सच बोल रहा होगा तो ए उस केस में झूठ बोलेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, ए जो है वो 75% केसेस में सच बोलता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ
75% यानी 75/100 है। और ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/100। ठीक है, नेक्स्ट बी 90% केसेस में सच बोलता है, यानी बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90% यानी 90/100। और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस दिस यानी 10/100। अब पूछा है कि कितने परसेंट केसेस में वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो कॉन्ट्राडिक्ट जब करेंगे कि ए सच बोल दे, ठीक है, और बी झूठ बोल दे, यानी कि बी झूठ बोल दे, फिर प्लस या ऐसा हो सकता है कि ए झूठ बोल दे और बी सच बोल दे, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 75/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग, मतलब ये झूठ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 10/100 प्लस ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी 25/100 इंटू यहां से आ जाएगा बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 90/100, यानी कि ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 4, ये 3, ये बाय 4, तो यहां से हमको मिल जाएगा 3 बाय ये हो जाएगा 40 प्लस यहां से आ जाएगा 9 बाय यहां से मिल जाएगा 40, यानी कि हमें मिल जाएगा 12/40 यानी 3/10 यानी कि 3/10 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, लेकिन हमें परसेंटेज पूछा है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 30% केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।